को हमेशा ये याद रखना है कि भाई भाई का प्रेम हमेशा बरकरार रहना चाहिए, किसी अपनी जरूरतों पे या किसी के कहने पे हमें अपने भाई से संबंध नहीं तोड़ने हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5th की हिंदी, भाई भाई का प्रेम। तो हमेशा की तरह पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं उसे आपको समझा देती हूँ। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे, उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। देखो ये गाँव का नाम आपको याद रखना है, मनोहरपुर नाम है गाँव का, ठीक है। उसकी जो मिट्टी थी उपजाऊ थी, यानी उसमें जो अगर कोई भी चीज आपके बीज बोगे ना, तो वो बोलते ना उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। और जो दोनों भाई थे वो क्या थे, किसान थे। वो दोनों क्या थे, अलग रहते थे, लेकिन दोनों में बोलते ना उन दोनों में प्यार बहुत ज्यादा था। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, खलियान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वह गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया, ठीक है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा, उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। यानी ये क्या हुआ है कि दो भाई हैं, दोनों भाइयों में प्यार था बहुत ज्यादा, और एक भाई रात को लेटा हुआ था, वो सोचने लगा कि मेरे तो बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे मदद करते हैं, लेकिन मेरा भाई तो अकेला है, उसकी मदद करने के लिए कौन है, ठीक है। उसने क्या किया, वो उठा और उसने जो अनाज के ढेर थे, जो उनकी अच्छी फसल हुई थी ना, उसमें से कितने बांधे, 10 गठरी उसने उसमें से अनाज की बांधी, और वो कहाँ चलने लगा, सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अगर आप पिक्चर में भी देखोगे ना, इसलिए उन्होंने ये ढेर दिखाया, जहाँ सामान रखते हैं ना बहुत सारा, ये ढेर बन गया। वो उठा और अपने छोटे भाई की तरफ जाने लगा। ये देखो ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई, देखने से भी लग रहा है ना ये मैच्योर लग रहे हैं, ये थोड़ा सा लड़के टाइप के लग रहे हैं, ये अपने भाई से मिलने के लिए जाने लगे। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा, मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। देखो बड़े भाई ने क्या सोचा कि मुझे छोटे भाई की मदद करनी चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए, मेरे बाल बच्चे, मेरा भाई तो अकेला है, अकेला आदमी को किसी का सहारा नहीं है, तो मुझे उसका सहारा बनना है क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। और छोटा भाई ये सोचने लगा, अरे मैं तो अकेला हूँ, मेरा क्या, अगर मेरे खेत का काम नहीं चला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना, क्योंकि उनके बच्चे हैं। तो दोनों अपनी अपनी सोच में बहुत अच्छी सोच थी दोनों की, वो अपने भाई के बारे में सोच रहे थे और वो अपने भाई के बारे में सोच रहे थे। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा, उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ये देखो पहली पिक्चर में ही ये इस तरफ बढ़े और वो उस तरफ बढ़े। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता, इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक दूसरे से टकरा गए, दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है। यानी देखो ये जो इसमें क्या थी, अंधेरी रात थी, रात को ये वो सोच रहे थे, तो दोनों ने सोचा और तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं हमें वक्त नहीं देखना, अगर भाई को मदद करनी है तो करनी है। तो कितना अच्छा लेसन है कि तो दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा वो रात को एक दूसरे की मदद के लिए उठ गए। और इसमें देखो क्या लिखा है, हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता, यानी कि बहुत ज्यादा अंधेरा था, वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होगी कि किसान है तो गाँव हुआ ना इसलिए, ठीक है। और अचानक से एक दूसरे से टकरा गए, जब वो दोनों दर्द अपनी गठरी उठाकर अपने भाई की यहाँ मदद करने जा रहे थे एक दूसरे के, तो दोनों इतना अंधेरा था कि बोलते ना हाथ को हाथ भी ना दिखाई दे, एक दूसरे को टकरा गए, तो दोनों के मुंह से साथ में निकला, कौन है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी, दोनों समझ गए, ठीक है। तो कितनी गठरियां वो बांध रहे थे, 10, याद रखिएगा, लेकिन 10 के 10 एक साथ नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आंसर के सबसे मैंने पूछा। बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था, कि देखो तुम अकेले हो तो तुम्हें क्या है, खेती का सारा काम संभालना पड़ता है, तो मैं तुम्हें अपना जो अनाज हुआ है, अच्छी फसल हुई है, वो मैं तुम्हें देने आ रहा हूँ ताकि काफी दिन तक चलता रहे। भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। तो उसने जवाब के दिया छोटे भाई ने कि मैं तो अकेला हूं ना, और आप तो बाल बच्चे वाले, तो आपके यहाँ तो अनाज की आवश्यकता ज्यादा होगी। भाई सिंपल बात है, जो चीज उनके घर में जन ज्यादा है तो उनको अनाज ज्यादा लगेगा, और जहाँ कम जन है उनको कम लगेगा, तो दोनों अपनी जगह पे सही थे।
अपनी बात कहते 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 सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों की प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भावविभोर होकर सुनते सुनाते हैं, ठीक है। और जब दोनों ने देखा कि नहीं, उसका बड़े भाई का भी कहना सही था और छोटे भाई का भी कहना सही था, तो दोनों का बोलते ना क्या हो गई, आंखें भर आई, यानी बोलते ना कि उनको बोलते ना अंदर से रोना सा आ गया कि देखो मेरा भाई मेरे बारे में कितना सोच रहा है, बड़ा वाला ये सोच रहा है, छोटे वाला भी सोच रहा है, देखो मेरा भाई मेरे बारे में कितना सोच रहा है। भले हम अलग रहते हैं लेकिन भाई भाई का प्रेम है, इसलिए इस लेसन का नाम इन्होंने बोला है भाई भाई का प्रेम। तो इस लेसन को अगर हम वन लाइन में बोले तो हम क्या सीख रहे हैं इस लेसन से, हम इस लेसन से यही सीख रहे हैं कि हम भाई बोलते हैं ना भाई और दोस्त, आज तो क्या हो रहा है भाई उतना काम नहीं कर पा रहा है जितना दोस्त कर देता है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना है कि भाई का मतलब ये होता है कि हम बचपन से साथ रहते हुआ है, तो वो दोस्त उतना शायद नहीं समझ पाएगा जितना एक भाई समझ पाएगा। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि भाई भाई का प्रेम हमेशा बरकरार रहना चाहिए, किसी अपनी जरूरतों पर या किसी के कहने पर हमें अपने भाई से संबंध नहीं तोड़ने हैं। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।